काफ़ी समय से इस विषय को लेकर के मैं चर्चा कर रहा था और दो विषयों को लेकर के आज मैं डिस्कस करूंगा। पहला है आपका मेन्स आंसर राइटिंग, ये काम अब रेगुलर होगा और कैसे करना है उसको लेकर ही मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। तो मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय वस्तु है। मैं चाहता हूँ कि प्रतिदिन के स्तर पर आप दो क्वेश्चन लिखेंगे, प्रतिदिन आपको दो क्वेश्चन लिखना है। ये काम आप घर पर ही करेंगे और अब संस्था के भी जितने भी क्वेश्चंस हैं इसी के माध्यम से कराए जाएंगे, मेन्स आंसर राइटिंग पोर्टल जो बन के अब रेडी हो चुका है। ठीक है, तो इसके लिए ये पूरा पोर्टल ऑनलाइन और ऑफलाइन के लिए है, ऑनलाइन बैच और ऑफलाइन दो बैचेस के लिए पूरा डेवलप किया गया है। आपकी कॉपी, आपका डिस्कशन जो कुछ भी होगा हम यहीं पर करेंगे, यहीं पर हम डिस्कस करेंगे। तो एक बड़ी संख्या यहाँ पर उपस्थित होगी। इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन तक ही सीमित रखने का प्रयास हमारा है, अभी आगे फिर देखेंगे कैसे ले जाना है। तो इसको पूरा समझते हैं कि कैसे करना है आप लोगों को, कैसे इस पर आप लोग पहुंचेंगे और कैसे आपको आंसर राइटिंग करना है। ठीक है, आंसर राइटिंग आप घर पे व्हाइट शीट में ही करेंगे। आंसर राइटिंग करने के लिए आपको पेज चाहिए जिसमें मार्जिन बने होने चाहिए। ठीक है, आप यह मार्जिन खुद बना लीजिए, अभी कोई ज़रूरी नहीं कि आप पेज लें या कुछ करें, आप मार्जिन खुद बना सकते हैं। एक मुझे व्हाइट शीट दीजिए तो मैं आपको उसका एग्जाम्पल दूँ कैसे आपको लिखना है। या तो स्केल के माध्यम से आप इसमें मार्जिन बनाएंगे, एक काम ये कर सकते हैं, या मैं बहुत इजी तरीके से आपको बताऊं कि आप ऐसे मार्जिन बना सकते हैं। आप इसको मोड़ लीजिए पेज को, इधर का मार्जिन बन गया, इधर को मोड़ लीजिए, इधर का मार्जिन, तो एक जुगाड़ ये भी है। आप इजीली इस बीच में इधर इस वाले सेक्शन में लिखना है बस। ठीक है, ऊपर आप क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन के बाद यहाँ पर इधर और एक पेज इधर, ये 200 शब्दों के लिए इनफ है। प्रैक्टिस इतने में ही करनी है। यदि 200 शब्दों में कोई क्वेश्चन लिखा जाना है, क्योंकि देखो यूपीपीसीएस में सीन ये है, यूपीएससी में तो 200 शब्द हैं, 100 शब्द भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, 250 शब्द में भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ऑप्शनल में थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ता है। ठीक है, तो उसी आधार पे लेकर के चलेंगे। मैं लघु उत्तरी क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, शॉर्ट में जैसे कि 35 शब्दों में लिखी है, 60 शब्दों में लिखी है। अब इस बार का मेंस हो तो थोड़ा सा सिनेरियो पीसीएस का पता चले, एमपीपीएससी में भी यही सीन है, तो उसी आधार पे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके हर लेवल के। तो क्या है क्या नहीं है ये चीज़ें मैं आपको अभी डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपका मेंस आंसर राइटिंग पोर्टल आपको मिलेगा, आपकी वेबसाइट है www.azadiasacademy.com, सब जानते हैं। गूगल में आपको सर्च करना है यहाँ पे azadiasacademy.com, आप इसको जैसे ही सर्च करेंगे, लॉगिन करेंगे, वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक, अब इस वेबसाइट में आपको यहाँ पे देखिए ऊपर ही एक सेक्शन दिया गया है, मेन्स आंसर राइटिंग पोर्टल ये लिखा हुआ है। अब देखिए इसको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बना दिया गया है, यहाँ पे निबंध लिखा हुआ है, सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न लिखा हुआ है, सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र लिखा है, तृतीय लिखा है, चतुर्थ लिखा है, वैकल्पिक विषय इतिहास, वैकल्पिक विषय लोक प्रशासन, जिनका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है चूँकि ऑप्शन हमारे द्वारा संचालित किया जा रहा है तो यहाँ पर उनकी आंसर राइटिंग होगी, और समाज कार्य, ये इतने जो है आंसर राइटिंग करवाए जाएंगे, इतने क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब आपको क्वेश्चन मिलेंगे कैसे, वैसे तो फ्रंट पेज पे नोटिफिकेशन सेक्शन है जिसमें लिखा हुआ टुडे मेंस क्वेश्चन, यदि आज का कोई क्वेश्चन डाला गया होगा तो वो क्वेश्चन यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। सबसे पहला काम तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए इजीली देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये क्वेश्चन आप देखिए, जैसे आज का क्वेश्चन मैंने पब्लिश करवाया है, जम्मू कश्मीर के संदर्भ में अनुच्छेद 35 ए की संवैधानिक स्थिति को परिभाषित करिए, या फिर कल क्वेश्चन, अभी एक क्वेश्चन डाला गया था इकोनॉमी का है, जिस समय हम भारत के जनसांख्यिकी लाभांश को शान से प्रदर्शित करते हैं उस समय हम रोजगार योग्यता की पतनशील दरों को नज़रअंदाज कर देते हैं, क्या हम ऐसा करने की चूक कर रहे हैं, भारत को जिन जॉबों की बेसब्री से दरकरार है वो जॉब कहाँ से आएंगे स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे भी होंगे जो पिछले साल यूपीएससी में या पीसीएस में पूछे जा चुके हैं, उनको सम्मिलित किया जाएगा, या फिर ये कुछ नए क्वेश्चन होंगे जो बनाए जाएंगे करंट अफेयर्स में जो सिनेरियो चल रहा है, या फिर जो क्लास में कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है उससे जुड़े हुए क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जैसे कि एक इथिक्स का ये क्वेश्चन है, अभी मैं आपको सेक्शन वाइज दिखाने वाला हूँ। ज्ञान के बिना ईमानदारी कमजोरी है, ज्ञान के बिना ईमानदारी कमजोरी और व्यर्थ है, परंतु ईमानदारी के बिना ज्ञान खतरनाक और भयानक होता है, इस कथन से आप क्या समझते हैं, आधुनिक संदर्भ से उदाहरण लेते हुए अपने अभिमत को स्पष्ट कीजिए। ये इथिक्स का क्वेश्चन है। अब इसमें कैसे डिस्कशन होगा, कैसे आप उत्तर करेंगे, सारी चीज़ें निबंध में, जो बदलाव आप दूसरों में देखना चाहते हैं पहले स्वयं में लाइए, गांधी जी, ये निबंध का है, 1250, यूपीएससी में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, 1250 शब्दों में आपको इसको लिखना है। तो ऐसे करके अब इसको एक एक सेक्शन वाइज ही आप इसको देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये तो रहेगा कि टुडे
जितना भी आज के डाले गए क्वेश्चन वो केवल आज आज के प्रदर्शित करेगा। यहाँ पे आपका जो मेन्स आंसर राइटिंग पोर्टल है, यहाँ पे जैसे कि आपको प्रथम प्रश्न पद पे क्वेश्चन आपको देखना है कि भाई प्रथम, तो प्रथम प्रश्न पद पे आप क्लिक करेंगे कि इसके जुड़े हुए क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो आपके अभी तक अपडेट किए गए हैं, तो आप यहाँ पे आएंगे। जैसे कल एक क्वेश्चन मैंने किया था, आप देख सकते हैं, ये आपका अभी करंट से ही चल रहा है। ये आपका देखिए प्रथम प्रश्न पत्र जिसमें ये पूरा टॉपिक है, भारतीय विरासत संस्कृति, ठीक है, विश्व का इतिहास, भूगोल और भारतीय समाज, ये टॉपिक इसके अंदर हैं। इसमें कल एक क्वेश्चन डाला था मैंने, जो अभी ये टॉपिक आपको क्लास में पढ़ाया गया, लॉर्ड डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश राज्य के विस्तार में वास्तविक भूमिका निभाई है, परंतु उसकी नीतियों ने कंपनी के शासन का समूल विनाश कर दिया, टिप्पणी कीजिए। कर सकते हैं, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, है ना? ये जैसे टॉपिक जो भी पढ़ाया गया, अब जैसे कि अगला है भारत के इतिहास की पुरान संरचना में चीनी और अरबी यात्रियों के वृत्तांतों के महत्व को आकलन कीजिए, तो ये क्वेश्चन आपको सर्च करने पड़ेंगे, आप इन पे लिखेंगे, नहीं भी आता तो भी लिखिए। तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा ऑप्शन दिया गया है कि आप इस पे एक प्रॉपर डिस्कशन कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को सबमिट कर सकते हैं, क्वेश्चन को लिख सकते हैं, जैसे कि द्वितीय प्रश्न पत्र, ठीक है, सबके सेक्शन वाइज आप किसी को भी क्लिक करेंगे तो उसका सेक्शन वाइज आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। जैसे कि आपका मान लीजिए ये एक क्वेश्चन है अनुच्छेद 370 को लेके, आर्टिकल 370 को लेके, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 की, धारा 370 की संवैधानिक स्थिति पर चर्चा कीजिए, ठीक है। चलिए इसकी, अब इस पर आप करेंगे क्या, क्वेश्चन आपने लिखा, लिखने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे, इस क्वेश्चन को क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन के ऊपर जा करके आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आप पाएंगे कि आप जो है नीचे यहाँ पे एक सेक्शन दिया गया है डिस्कशन का प्रॉपर, जिसपे आपको पूरा डिस्कशन करना है। 1 मिनट, कोई भी क्वेश्चन है उसके नीचे ही आपको पूरा सेक्शन मिल जाएगा डिस्कशन का। ओपन होने दीजिए इसको। हाँ, ये देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे कमेंट पॉलिसी देख लीजिएगा। कमेंट पॉलिसी है, पढ़ सकते हैं आप इसको, प्रॉपर बनाया गया है कि टिप्पणी पर जाने वाले कृपया पहले पूरी पॉलिसी को पढ़िए आप इसको कमेंट करने से पहले। यदि किसी भी दुर्व्यवहार की भाषा का आपने उपयोग किया तो यह अपराध के रूप में माना जाएगा और सोशल एक्ट का जो धारा है वो भी लग सकता है आपके ऊपर। इसलिए कोशिश करिएगा कि यहाँ पे कोई ऐसी टिप्पणियाँ या भद्दी कमेंट यहाँ पे ना चले। यहाँ पे आपके एजुकेशन की साइट है तो एजुकेशन के पर्पज़ से ही आपको इसको यूज करना है। यहाँ पे आपने इसका क्वेश्चन लिखा, लिखने के बाद देखिए स्टार्ट डिस्कशन का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन सबसे पहले आपको लॉग इन करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन है यहाँ पे लॉग इन करने का, आप फेसबुक से लॉग इन कर सकते हैं या फिर गूगल से लॉग इन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको लॉग इन करना है। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं प्रोफाइल पे, यहाँ पे आपको गूगल के थ्रू आपकी जो ईमेल आईडी है ना उससे आप लॉग इन हो जाएंगे। मैं एक बार लॉग इन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ही ऑप्शन आएगा आपका लॉग इन का, ताकि आपकी मेल आईडी को, मेल आईडी के थ्रू ही आपका रीड कर पाएगा सिस्टम, तभी आप कमेंट कर पाएंगे। बिना मेल आईडी के आप कमेंट नहीं कर पाएंगे इस सेक्शन में, हर जगह पे यही होता है। तो आपको पहले इस पे लॉगिन करना पड़ेगा पर्सनली कमेंट सेक्शन में, एक बार ही लॉगिन करना है, फिर आजीवन हो जाएगा। बस लॉग आउट मत करिएगा, जब तक आप लॉग आउट नहीं करेंगे तब तक वो लॉगिन होता रहेगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लॉगिन करके, लिखा हुआ है दिख रहा है, तो लॉगिन पे जाना है आपको। लॉगिन करके नीचे देखिए गूगल का ऑप्शन है, गूगल के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। तो यहाँ से हम लॉगिन हो गए अपनी ईमेल आईडी के थ्रू। अब यहाँ से आप कोई भी कमेंट कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको जाना है अपना, जैसे क्वेश्चन आपने लिखा, लिखने के बाद क्वेश्चन को आप इमेज फॉर्म पे, जैसे इमेज है उसी इस फॉर्म पे आप इसको यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, इमेज फॉर्म पे आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं आप कुछ भी, या फिर यहाँ पे पीडीएफ की लिंक डाल सकते हैं। वैसे पीडीएफ का लिंक आप डाल सकते हैं, गूगल ड्राइव में अपलोड करिए और उसकी लिंक लगा दीजिए, या फिर कोशिश करिए कि अपने फ़ोन पे जैसे जो भी आंसर राइटिंग आपने किया उसको यहाँ पे अपलोड कर दी। यहीं से हम चेक करेंगे, जब आपके जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है इसका आंसर मुझे देना है तो मैं इसका आंसर यहाँ पर, ये देखिए एक इमेज अपलोड हो सकती है, ईजिली अपलोड हो जाएगी इमेज, ये देखिए ये आपकी इमेज अभी यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, जो भी फोटो आप खींचेंगे ये आपकी इमेज अपलोड हो गई यहाँ पे, ठीक है। और कोई भी आपकी इमेज पे आकर के कमेंट कर पाएगा, बता पाएगा कि आपने सही लिखा या कैसा लिखा, ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के द्वारा आपस में लिखा जाएगा, आप दूसरे का पढ़ भी सकते हैं कि उसने क्या किया। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रिप्लाई का,
कोई किसी के उस पर आप रिप्लाई करना चाहते हैं रिप्लाई कर सकते हैं, हम टीचर के द्वारा देखा जाएगा तो वो यहाँ पे रिप्लाई करेगा, तो यहीं पे आपको उसका फीडबैक लेकर के आएगा कि क्या फीडबैक आपका है इस क्वेश्चन का। तो प्रॉपरली अब इसी सिस्टम से हम काम करेंगे, इसमें एक साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन के सभी बच्चे रहेंगे तो काफ़ी बड़ी संख्या में ये बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चलेगा। तो ये काम अब आप लोग शुरू कर दीजिए, ठीक है। अब आप लोगों को यहीं पे क्वेश्चन मिलेंगे, डेली के दो क्वेश्चन अपडेट हमारे द्वारा कराए जाएंगे, हमारी जिम्मेदारी है। दो क्वेश्चन, किसी किसी दिन चार चार क्वेश्चन भी करवाया जाएगा, लेकिन अभी आपका काम है कि अभी जितना भी आता जाता है आप डेली बेसिस पे इन क्वेश्चन को लिखेंगे, अपनी हैबिट बना लीजिए, लिखना बहुत ज़रूरी है। अब मेंस आंसर राइटिंग के एक दो सेशन में लूँगा कि क्वेश्चन का आंसर लिखा कैसे जाता है प्रॉपर बेस पे, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, कैसे वो जो नोट्स बना रहे हैं ना आप, वो नोट्स बहुत कारगर तरीके से काम आएंगे, ठीक है। और जैसे ही कोई क्वेश्चन आता है उसको भी एक नोट्स में तब्दील कर दीजिए, उसके भी बुलेट पॉइंट बना लीजिए और प्रॉपरली पहले थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करिए। अब हो सकता है इसमें सारे क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके नए हों, जरूरी नहीं कि आप इनमें क्वेश्चन, अब मान लो इथिक्स का यही क्वेश्चन है कि ज्ञान के बिना ईमानदारी कमजोर और व्यर्थ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। ईमानदारी एक ह्यूमन वैल्यू है, ठीक है, आपका मानवीय मूल्य है, सबके अंदर ईमानदारी होती भी है नहीं भी होती है, दोनों चीज़ें हैं, ईमानदारी का पतन भी होता है बहुत सारे लोगों में। तो ये ह्यूमन वैल्यू के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, ज्ञान। नॉलेज के बिना ईमानदारी कमजोर है, ठीक है, आपके पास ज्ञान नहीं है तो हो सकता है कि आपकी ईमानदारी का कोई बेनिफिट ना हो, लेकिन बिना ईमानदारी के ज्ञान खतरनाक और भयानक हो जाएगा। मान लीजिए मैं प्रशासन में चला जाऊं और ईमानदार नहीं हूं, मेरे अंदर ज्ञान बहुत है नॉलेज बहुत है तो मैं दुनिया को तबाह भी कर सकता हूं, मैं अपने ज्ञान का गलत दिशा में भी प्रयोग कर सकता हूं। तो इसको आपको अब सोचना है, थिंकिंग प्रोसेस है, कुछ नहीं है, इथिक्स पूरा सोचने की बात है, आपको हर चीज़ को सोचने की यदि क्षमता आ गई तो इथिक्स बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। तो अब बस इसी को लिखना है, इस कथन से आप क्या समझते हैं, अब जो आप समझते हैं उसको लिखिए, और इसके बाद आधुनिक संदर्भ में कोई एग्जांपल आपके, अब इसमें कोई केस होना चाहिए आपके पास, ऐसे नहीं कि आप हवाबाजी में लिख रहे हैं, इस पर एक प्रॉपर केस क्रिएट करिए जो आसपास में कोई न्यूज़पेपर पे आया हो, प्रशासन में आपको देखने को मिला हो, कोई भी भ्रष्टाचार का केस हो उसको आप इसमें डाल करके इसको आप लिख सकते हैं। तो एक बड़े स्तर का ये इनिशिएट किया गया हमारे द्वारा। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग आंसर राइटिंग पे व्यवस्थित क्रम पे काम करिए रेगुलर बेस पे। इसके बाद अगली पहल हमारी रहेगी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज की, वो हम यहीं पे करवाएंगे आपसे, ठीक है। पीटी का भी टेस्ट होगा और वो भी रेगुलर बेस पे होगा, 35 से 36 टेस्ट मैंने डिजाइन करवाए हैं, वो भी आप लोगों को आगे चल के मिलेंगे, लेकिन अभी काम इस पे करना चालू कर दीजिए मेंस पे। डेली बेसिस पे दो क्वेश्चन लिखने हैं, दिमाग में बैठा लीजिए, दिन प्रतिदिन दो क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे, वो दो क्वेश्चन आपको लिख करके अपनी फोटो अपलोड करनी है, ध्यान रखिएगा। सबकी ईमेल आईडी यहाँ, चूंकि ईमेल के थ्रू आप लॉगिन होंगे तो आपका डेटा रहेगा हमारे पास, कल के दिन गार्जियन आता है कुछ आता है कुछ भी होता है तो पता चल जाएगा कि ये पर्सन कर ही नहीं रहा, एक्टिवेट ही नहीं है। और एक चीज़ और बता दूँ, आप में से जितने भी बच्चे हैं, जो लोग, आपको चीज़ें बता देता हूँ एक बार फिर से समझ लीजिए, वेबसाइट में जाना है इजिली, मेंस आंसर राइटिंग वाले सेक्शन में जाना है, ये आपका मेंस आंसर राइटिंग का सेक्शन है जहाँ पे अलग अलग सारे प्रॉपर बने हुए हैं, आपका सामान्य अध्ययन का बना हुआ है, सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र, तृतीय प्रश्न पत्र, चतुर्थ प्रश्न पत्र, है ना, वैकल्पिक विषय, इतिहास, प्रशासन, सब कुछ। इतिहास में भी मैं इतिहास और ये जो है ना, इसमें वीक में दो क्वेश्चन आएंगे, इतिहास में दो क्वेश्चन, पबैड में दो क्वेश्चन, ऐसे करके आते रहेंगे रेगुलर बेस पे। जो भी चीज़ें हैं समाज कार्य में भी क्वेश्चन आएंगे आपके, तो ये क्वेश्चन आपको प्रॉपरली यहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पे शो होंगे, आपका काम है इनको देखना और इन पे क्वेश्चन को अपलोड करके इस पे अपना जो है जो भी आंसर राइट आपने किया उसके फोटो क्लिक करना और उसको यहाँ पर अपलोड कर देना बस। यदि आप एक काम और कर सकते हैं यहाँ पे, मैं एक काम और करेंगे, हम मॉडल आंसर भी दे देंगे, बता देंगे कि देखो इस बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है, इसका आप पढ़ लो, मॉडल आंसर टाइप में है, या फिर खुद लगेगा किसी ने अच्छा नहीं लिखा तो मैं खुद उत्तर लिख करके उसका मॉडल आंसर भी आपको दूंगा, तो आपको बेनिफिट होगा। अब यहाँ पे देखिए आप आराम से टिप्पणी कर सकते हैं, आराम से यहाँ पे अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, डाल सकते हैं आप, पब्लिश कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा पोर्टल तैयार किया गया है, आप लोगों के सहयोग के बिना ये पोर्टल का कोई महत्व नहीं है, ठीक है, इसलिए सब लोग एक्टिव तरीके से काम करेंगे। क्लास में भी यदि हमें टेस्ट कराना है कुछ कराना है तो क्वेश्चन हम यहीं पे पब्लिश करेंगे और आप आंसर भी यहीं पे अपलोड करेंगे। अब फिजिकल कॉपी आपकी हम नहीं लेंगे क्वेश्चंस की, यहीं पे डेली बेसिस रहेगा, आधा एक घंटा डेली देना होगा, यहीं पर हम रिप्लाई कर देंगे, तो एक प्रॉपर डिस्कशन आपका और हमारे साथ चलता रहेगा, ठीक है ना।
तो ये एक काम जो है अब अच्छे से होगा, ये बिल्कुल अच्छे से बन के तैयार हो गया है। और इस चीज़ को लेके मैं काफ़ी एक्साइटेड भी था, काफ़ी समय से प्रयास कर रहा था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें के कारण ये काम नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब जो है मंडे से, आज मंडे ही है, तो आज ही से ये काम आप करिए, डेली के 2 क्वेश्चन का प्रण कर लीजिए। सोइए मत जब तक 2 क्वेश्चन मत लिख लीजिए, विश्वास करिए आपके एग्ज़ाम का रास्ता, आपको क्वालिफाई होना है ना, तो बिना मेंस के नहीं क्वालिफाई होंगे, और मेंस तभी क्वालिफाई होंगे जब तक आप लिखने की हैबिट नहीं डालेंगे। 365 दिन में यदि आप मान लो 350 दिन भी लिखते हो ना, तो मान के चलिए आपके कितने क्वेश्चन हो गए, आप 700 क्वेश्चन लिख चुके होंगे, और 700 क्वेश्चन गजब के लिख चुके होंगे। मेंस आंसर राइटिंग को कैसे अच्छा बनाया जाता है, इसको लेके मैं जब सेशन लूंगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक चीज और बताऊं आपको, जरूरी नहीं कि आप डेली नए क्वेश्चन पे लिखें, नए क्वेश्चन तो हम देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको अपनी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी करनी हो, तो मेरा जहां तक मैंने अनुभव किया है या मैंने जितना लिखा है अभी तक, तो एक चीज पाई है, यदि आपको अपना आंसर राइटिंग बहुत बेहतरीन बनाना है, तो एक काम करिए, एक ही क्वेश्चन को 3 बार लिखिए, अभी लिखा, इसके बाद फिर उसी पे लिखा, उसी टॉपिक पे फिर उस पे लिखा, आप देखेंगे पहले दूसरे और तीसरे तीनों में बहुत अंतर है, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इसलिए बेहतर होगा कि आप जो है एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन उसी को फिर लिखिए, फिर उसी को लिखिए, फिर लिखिए। ये मत सोचिए कि इसके बाद नया लिखूंगा तो कुछ हो जाए, कुछ नहीं होगा, आपको कमियां पता चलेंगी पहले वाले में, दूसरे बार जब लिखेंगे तो और कुछ सुधार करेंगे, तीसरी बार और सुधार करेंगे। तो अच्छा ये होगा कि आप आंसर राइटिंग पे एक ही क्वेश्चन पे ज़्यादा बार फोकस करें, ज़्यादा बार उसको लिखने का प्रयास करें, फिर देखिएगा। ज़्यादा नहीं, देखो मैं हमेशा कहता हूँ मेंस आंसर राइटिंग एक स्किल है, स्किल मतलब समझते हो ना, एक आर्ट है, इसको एक बार सीखना है। जैसे गाड़ी चलाना हम सीखते हैं ना, शुरुआत में गाड़ी चलाने में हमें बहुत दिक्कत आती है, हमें पता नहीं होता है कि कैसे क्लच दबाना है, कैसे ब्रेक लगाना है, कैसे एक्सेलरेट करना है, लेकिन एक बार गाड़ी हम सीख गए, एक बार हमने जब गाड़ी सीख ली, इसके बाद हम हैंडल और है ना छोड़ के भी चलाते हैं, खूब बढ़िया चलाते हैं, कोई डर नहीं होता है, इधर उधर ऐसा लगता है कि शरीर काम करेगा ही, वैसे ही एक बार आंसर राइटिंग सीख लो, एक ही बार स्किल सीख लो, फिर कैसा भी क्वेश्चन होगा आप कुछ ना कुछ लिख के जरूर आओगे। इसलिए ये एक स्किल है, इसको एक बार सीखने के बाद फिर आजीवन आपका हो जाना है। जैसे बोलना एक कला है ना, पढ़ाना एक कला है, ये लिखना भी एक कला, एक आर्ट है। जो बड़े बड़े संपादकीय लिखने वाले, जो बड़े बड़े राइटर होते हैं, उन्होंने क्या कर रखा है, उस स्किल को सीख रखा है, उन्हें पता है कि कोई भी विषय दे दो बहुत अच्छा बोलते हैं। आप प्रधानमंत्री जी को देखिए, प्रधानमंत्री जी को कोई भी विषय वस्तु दे दीजिए, लेकिन उनके पास वक्ता शैली इतनी अच्छी है कि अच्छे से रिप्रेजेंट कर देते हैं, परोस देते हैं। तो आपको एक बार, क्योंकि उनके अंदर वो आर्ट है, वही आर्ट आपको अपने अंदर भी डेवलप करनी है। एक बार लिखने की आर्ट डेवलप कर लीजिए, 30 से 40 दिन लगेंगे यदि आप डेली लिखोगे ना, 30 से 40 दिन में आपको पता चल जाएगा। शुरुआत में 15-20-25 दिन आपको लगेगा क्या लिख रहा हूँ, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा, लेकिन लिखिए, तब भी लिखने से मत भागिए, लिखने से भागेंगे आप फिर जिंदगी में नहीं सीख पाएंगे इसको। और टाइमर एक लगा लीजिए, 9 मिनट का टाइमर जरूर लगाइए अपने वॉच में, एक स्टॉप वॉच अपने पास मिनिमम रखिए, टाइमर लगाने के बाद फिर आगे चल के काम करिए, 9 मिनट जैसे ही हो वैसे ही रोक दीजिए, इससे आपको अपनी कैपेसिटी पता चलेगी। नेक्स्ट टाइम ईमानदारी इतनी बरतिए आप, बिना ईमानदारी का क्या मतलब है उसको। इसके बाद फिर अगली बार लिखे, कोशिश करिए 9 मिनट में लिखना है डेटा। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आज पब्लिश हुआ, उस क्वेश्चन पर पहले मैं डेटा कलेक्ट कर लो लिखने से पहले, कि क्या क्या मुझे लिखना है दिमाग में, और फिर 9 मिनट में ही लिखना है, ये आदत में डाल लो, 9 मिनट में ही लिखना है, 9 मिनट में ही लिखना है, क्योंकि वहाँ पे 25-30 क्वेश्चन मिलते हैं, और उन सारे क्वेश्चनों को करना है तो आपको 9 मिनट की हैबिट डालनी पड़ेगी मिनिमम। 9 मिनट भी बहुत, 7 से 8 मिनट तक आपको आना है, तब जाके आप बहुत जल्दी और अच्छा पेपर करके आ पाओगे। इसलिए आंसर राइटिंग से कोई भागेगा नहीं, ये ध्यान रखिएगा, आंसर राइटिंग सबको करनी है। अब आपके लिए ये चीज़ है, हमारा काम है कि रेगुलर बेस पे आप तक टॉपिक पहुंचाना, हो सकता है किसी दिन गैप हो जाए, लेकिन फिर भी उस दिन सहयोग करना, पुराने क्वेश्चन को फिर दोबारा लिखना, ठीक है, लेकिन फिर भी प्रयास यही रहेगा कि कोई गैप ना होने पाए, ठीक, क्योंकि इसको मैं खुद देखूंगा पूरा का पूरा, जितना आंसर राइटिंग पोर्टल है डेली बेसिस का काम मुझे इस पे खुद करना है। ये मैं बहुत एक्साइटेड था और इस पे अब मैं, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि देखो बात ये नहीं आप नॉलेज डेली ले रहे हो, बात ये कि उस नॉलेज से आप गेन क्या रहे हो वो आपको इससे पता चलेगा, कि मैंने अभी जो पढ़ा या जो कुछ जानकारी है मेरे पास वो सारी चीज़ें। एक दिन मैं आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग सिखाऊंगा, एक नई तकनीकी है, जैसे मैंने पढ़े कैसे आपको सिखाया कि पढ़ना कैसे चाहिए, वैसे मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि आपको सब कुछ आता है, कोई भी टॉपिक आपको मैं दे दूंगा ना, वो टॉपिक में आप सोच सकते हो, और इतना अच्छा सोच सकते हो, कुछ भी सोच सकते हो उस पर, लेकिन क्या होता है, एक सोचने का तरीका होता है, यदि वो तरीका मैं आपको सिखा दूं सोचने का, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपका काम हो जाए। तो एक सेशन मैं इस पर लूंगा, ध्यान दिलाइएगा मुझे कि सोचना कैसे होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग कैसे कहते हैं,
दिमागी तूफान क्या है, ठीक है, ब्रेन की पावर को कैसे यूज करना है थिंकिंग प्रोसेस पे, इस पर एक बार हम काम करेंगे। और जब इस पर काम करेंगे तो फिर देखिएगा कितना बढ़िया आपका काम हो जाएगा। तो ये मेन्स आंसर राइटिंग को लेकर के ब्रेनस्टॉर्मिंग सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसको दो तीन सेशन में मैं सारी चीज़ें आंसर राइटिंग की आपके सॉल्व कर दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी निश्चित तौर पर। एक लिखना कैसे है, दूसरा दिमाग में सोचना कैसे है, ठीक है। और स्पीड की एक प्रॉब्लम, बहुत सारी दिक्कत है कि स्पीड अच्छी नहीं, स्पीड की प्रॉब्लम आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है। चूँकि दिक्कत क्या है, आपके दिमाग में विचार ही नहीं आएंगे तो आपकी स्पीड कम होगी। थोड़ा छोटे अक्षर लिखिए, इतना बड़ा अक्षर भी मत लिखिए ताकि क्षेत्रफल ज़्यादा लगे उसको, एरिया ज़्यादा लिखे टाइम ज़्यादा लगेगा। एक मध्यम आकार के अक्षरों को बनाइए, ठीक है। अपनी एक प्रॉपर जो आपकी राइटिंग बन गई, वो राइटिंग अब सुधर नहीं सकती, वो आपने बचपन में वो पाँचवीं छठवीं तक जो राइटिंग हम डेवलप कर लेते हैं वो आजीवन हो जाती है हमारे साथ। आपको लगता है वो ब्रेन वही उसी तरीके से, आप जो सिग्नेचर करते हैं ना वो सिग्नेचर फिक्स हैं। एक बार जैसे कि मैं आपको बताता हूँ फॉरेंसिक वाले क्या करते हैं। मेरे एक स्टूडेंट हैं जो इस विषय पे काम करते हैं, आए भी थे एक दिन, गुजरात से थे वो, है ना, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में है और वो यही काम करते हैं, सिग्नेचर वाला काम करते हैं प्रॉपरली। वो ऑनलाइन बैच में जुड़े हुए हैं, शायद इस बार गुजरात का मेंस दिया उन्होंने। तो वो बता रहे थे कि सर हम कुछ नहीं करते, जैसे कि आप में से आप होता ना कि बहुत लोग फर्जीवाड़ा करते हैं कि मेरे साइन कर दिया, पैसे निकाल लिया, या कोई दूसरे के साइन हो जाते हैं। प्रशासन में बहुत होता है, कॉमनवेल्थ गेम में यही हुआ था, सुरेश कलमाड़ी जी का जो पूरा मुद्दा था उसमें क्या था। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं तो क्या होता है, पता करने फॉरेंसिक वाले कैसे पता करते हैं कि भाई ये इसी की राइटिंग है कि नहीं है। वो क्या करते हैं, आपसे 1000 साइन करवाएंगे, ठीक है। अब 1000 साइन में आपका जो आर है, आपका आर बनाने का तरीका, आपने 1000 बार आर बनाया, मान लीजिए रवि प्रकाश मैं लिखता हूँ तो मैंने 1000 बार आर बनाया, 1000 बार ए बनाया, 1000 बार वी बनाया, 1000 बार आई बनाया, है ना। तो कहीं ना कहीं पे ऐसा होगा कि मैक्सिमम बार रिपीटिशन जो होगा मेरे ए का, आर का, आई का, अलग अलग अक्षरों का, पूरी राइटिंग मान लो तब भी मैं बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहा हूँ कि पूरी राइटिंग को इधर उधर कर रहा हूँ, फिर भी मैं पकड़ा जाऊँगा क्योंकि मेरे ब्रेन में वो चीज़ है। तो एक बार जो आपके डेवलप हो गया, आप अपनी राइटिंग को बदल नहीं सकते हो, इसलिए राइटिंग, लेकिन राइटिंग को दो काम कर सकते हो, शुद्ध लिख सकते हो, पहली चीज़ ग्रामर इरर खत्म कर सकते हो, ये काम आपके हाथ में है, आप ग्रामेटिकल इरर को खत्म कर दीजिए, पहला काम ये कर दीजिए। दूसरा काम, देखने में कटिंग कम हो, मिनिमम हो, कटिंग हम बहुत करते हैं जिसके कारण से और अशोभनीय हो जाती है। तीसरा काम ये करना है कि उसको स्पष्ट लिखना है, थोड़ा दूर दूर रहे, ये भी आप काम कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ऐसा ना रहे कि बहुत ज़्यादा डेंसिटी रहे, तो एग्जामिनर को देखने में अच्छा लगता है, चाहे राइटिंग कैसे भी हो। एक प्रॉपर मानक से लिखी हो, अगल बगल मार्जिन प्रेस, आप कभी ऑफिशियल लेटर देखिएगा बहुत अच्छे से, कभी अपना नोटिफिकेशन ही देखिएगा कैसे लिखा जाता है, कभी जो अधिसूचना वो सर्कुलर जारी होता है या कभी सरकारी आदेश निकलते हैं उनको देखिएगा, बहुत प्रॉपर भाषा में लिखे जाते हैं और बहुत बढ़िया, इधर उधर मार्जिन होगा, स्पेस होगा, ये सब ऑफिशियली। तो आप भी तो उसी के लिए तैयार हो रहे हो ना, तो अभी से इन चीज़ों की हैबिट डालनी है आपको। हम उसी ग्राउंड फील्ड में खेलेंगे जिस ग्राउंड फील्ड में हमारा मैच है, प्रैक्टिस वहीं करेंगे, इसलिए अब आपको आंसर राइटिंग को बड़ी तवज्जो देनी है। यदि आंसर राइटिंग को तवज्जो नहीं देंगे तो आप बाद में जाके पछताएंगे। आपको लगेगा आमतौर पे बच्चों के दिमाग में क्या होता है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा फिर मेंस में लगूंगा, नहीं भाई, पीटी से पहले ही पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, पीटी से पहले मेंस में भी काम कर लेना है, और जैसे ही प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ फिर 3 महीने लगातार लिखना ही है, बस करंट अफेयर्स उठाना है और विभिन्न मुद्दों पर लिखना है, बस काम खत्म। अभी जितने 105 बच्चे आपके मेंस दे रहे हैं ऑनलाइन बैच से, उनको मैंने सिर्फ 2 चीज़ें ट्राई, अब उसमें से बहुत तरीके की वैरायटी मुझे मिली है। कुछ लोग हैं जिनका मेंस पहली बार, वो धोखे से कह रहे हैं सर पीटी निकल गया मैं क्या करूं, मेरी गलती है क्या, लेकिन मेंस देना चाहिए, अब उनके अंदर लालच आ गया है। तो मैं उनसे बोल भी दिया हूं कि देखो होना जाना आपका कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आप प्रयास करिए, तरीका यही है। चूंकि आज के टाइम पर आपको लिखा, वो बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं एग्जाम हॉल पर ही जाके पहले पेन का ढक्कन खोलेंगे फिर जाके लिखेंगे, नहीं, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए जिसके कारण से आप लिखें। तो सब हमें प्रीलिम्स देने से पहले पहले पूरी गतिविधियाँ पूरी कर लेनी है, सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, सारी चीज़ों के शॉर्ट नोट्स बन जाएं और इस पर इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि ये काम कर जाए। 1000 क्वेश्चन लिख लीजिए बस, 1000 के बाद मुझसे मिलिएगा, कहिएगा मैं बहुत अच्छा लिख सकता हूँ सर, कोई भी टॉपिक मुझे दे दीजिए, मुझे नॉलेज भी नहीं होगा तो भी मैं लिख दूंगा, लेकिन एक बार 1000 क्वेश्चन आप लिख के देखिए, बहुत होते हैं 1000 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा, बड़ी संख्या में, टाइम मिले लिखिए जरूर, सोने से पहले फिक्स कर लीजिए कि सोने के पहले का काम ही है मेरा लिखना अनिवार्य तौर पे। एक क्वेश्चन शाम को लिख लीजिए, एक क्वेश्चन सुबह लिख लीजिए, 2 क्वेश्चन लिखने ही लिखने, जब भी टाइम मिले कुछ ना कुछ लिखते रहिए। नोट्स अपने, किसी चीज़ को छापिए मत कॉपी को, आप अपने विचारों को, है ना, एक पेज पे, सादे पेज पे लाइए,
यही है आंसर राइटिंग। तो इस पे बहुत अच्छे से काम आप सबको करना है, मिलके करेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो पाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही मेरी, ये समझ में आ गया पोर्टल, कुछ नहीं करना है, वेबसाइट में जाना है मेन्स आंसर राइटिंग पोर्टल को, बस और कुछ नहीं करना आपको, इजीली है पूरा काम जितना भी है। सारे पेपर जितने भी हैं आपके अच्छे से यहाँ पे देखिए पेपर लगे भी हैं, निबंध का, चतुर्थ प्रश्न पत्र, जो जिसका क्वेश्चन पहले डाला गया वही यहाँ पे अपडेट हो जाता है, या फिर आप एक एक अपना देख सकते हैं, या होम पेज पे आपको वो जो अपडेट आई हुई है उसके थ्रू भी आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन क्या है। हमारा काम है क्वेश्चन करंट बेस होंगे, क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट से सारे पेपरों के जुड़े हुए क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो जिसके समझ में आ जाए वही आप वो लिख सकते हैं। अब जैसे इस समय अनुच्छेद 35A का बड़ा मुद्दा छाया हुआ है गहमा गहमी में, या फिर इस समय अनुच्छेद 370 गहमा गहमी में है ना, तो ये सब चीज़ों को भी आपको अभी से ही नोट्स बना लें, अभी 370 का आपको पूरा डिटेल आपको जानकारी में आ जाना चाहिए, ठीक है। करंट में खूब चल रहा है, कितने संपादकीय आ रहे हैं, तो अभी से ही इन चीज़ों को हम काम करेंगे तो बहुत बेहतर हो जाएगा। ये भी एक प्रॉपर एक अलग से ही बुक बना लीजिए, कॉपी बना लीजिए, उसी कॉपी पे आप लगातार लिखते जाइए और फोटो क्लिक करके क्लिक करते जाइए, ठीक। चलो ठीक है, एक तो ये बात मुझे आपसे करनी थी, ये बात हो गई हमारी समाप्त। किसी को दिक्कत हो, डाउट हो,